दिल्ली के नांगलोई इलाके में हिट एंड रन का दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल है, जिसमें कांस्टेबल सादे कपड़ों में अपनी बाइक से जा रहा है, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसे रौंदते हुए निकल जाती है। घटना रविवार तड़के हुई और कांस्टेबल की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जो नांगलोई पुलिस स्टेशन में तैनात थे। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल संदीप नांगलोई इलाके में डकैती के मामले में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारणों की जांच करने के लिए सिविल ड्रेस में ड्यूटी कर रहे थे। वह अपनी बाइक पर थे, तभी उन्होंने एक वैगनार कार को नोटिस किया, जिसे लापरवाही से चलाया जा रहा था। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी धीमी करने का इशारा किया, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। तब कांस्टेबल संदीप अपनी बाइक से कार को ओवरटेक करके उसके आगे पहुंचे। अचानक वैगनार के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और संदीप की बाइक को पीछे से टक्कर मारी और उन्हें लगभग 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। वैगनार की सामने खड़ी एक दूसरी कार से टक्कर भी हुई। संदीप को गंभीर चोटें आईं। उन्हें पहले सोनिया अस्पताल ले जाया गया और वहां से पश्चिम बिहार के बालाजी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वहीं डीसीपी जिमी चिराम ने कहा कि वैगनार में दो लोग सवार थे, जो मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की हैं। सुनिए डीएसपी ने इस घटना को लेकर के और क्या कुछ कहा। कांस्टेबल संदीप 2018 बैच का करीब 30 साल का था एंड पुलिस स्टेशन नांगलोई में पोस्टेड था। कल रात की आज अर्ली मॉर्निंग की बात है, एक्चुअली 2:15 के एंड हमें पता ये लगा कि उसका डेथ हो गया एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में। तो पहले सोनिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद एक्शन बालाजी में गए थे। इंसिडेंट के बारे में पता लगाया तो संदीप जो है अपने बाइक से जो है ऑन ड्यूटी बीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ्ट टर्न कर रहे थे, तो लेफ्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहाँ पे फोर व्हीलर था, वैगन आर, एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी। लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सेलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज पर जो मौका देखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया और इसी आई थिंक हेड इंजरी की वजह से डेथ हुआ है। ऑल दो पीएम जो करेंगे उससे हमें फर्दर वेरीफाई हो जाएगा। क्राइम ऑफ ऐसा ही लग रहा है कि रोड रेज टाइप का हुआ है, बट वंस एक्यूज को हम अप्रीहेंड करेंगे उसके बाद ही मैं आपको फर्दर बता सकूँगा। सिविल में था, बीट नंबर 3 है, बिना इनक्लेव मोस्टली रेसिडेंशियल है, तो जो थेप्ट वगैरह के इंसिडेंट्स हैं उसको स्पेशली चेक करने के लिए सीवीज में ड्यूटी में निकले नहीं, बाद में पीछे से आए हैं, लेकिन उस वक्त जो पेट्रोलिंग में निकला है वो अकेले ही बाइक में था। दोनों आरोपी को हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको डिटेल। हाँ, व्हीकल ऑलरेडी हमने सीज कर लिया है, व्हीकल हमारे पास है, बाकी जो एरिया है उसको भी हमने सीन ऑफ क्राइम एनालिसिस कर लिया है, हमारे फॉरेंसिक टीम से भी एनालिसिस कर लिया है। मेडिकल के प्रोसीजर्स और अभी शुरू होंगे एंड पुलिस जो है इसमें जो एक्यूजर्स को ढूंढने में सरगर्मी से लगेगा कि हम वेरीफाई करके आपको बताएं। आरोपी गाड़ी का मालिक भी है कोई और था? वो हम वेरीफाई करके बताएंगे कि गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहे थे, सारा डिटेल जो है एक बार कंफर्म करने के बाद ही बताना उचित रहेगा।